खबर रीवा जिले से है, जहां विंध्य पुनरोदय मंच की बैठक अमरदीप मैरिज गार्डन रीवा में संपन्न हुई है। सबसे पहले विंध्य आंदोलन में शहीद हुए गंगा अजीत चिंताली को श्रद्धांजलि दी गई। बैठक में चर्चा की गई कि 1 नवंबर 1956 को विंध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया और तब से विंध्य क्षेत्र की उपेक्षा होती रही और क्षेत्र का सभी तरह से दोहन, खनिज ऊर्जा, पानी, बिजली, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, धार्मिक वनवास के समय लगभग 12 वर्ष रामनगरी होते हुए भी आदि सभी उपेक्षित व दोहन होता रहा। पूर्व विंध्य प्रदेश में समाहित सभी जिलों से आए प्रमुख वक्ताओं ने विचार रखे, जिसमें विंध्य प्रदेश निर्माण की प्रक्रिया आर्थिक नाकेबंदी, पद यात्रा का रोड मैप, आर्थिक व्यवस्था, युवाओं को शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा कैसे उपलब्ध हो, उच्च न्यायालय, IIT जैसे शिक्षण संस्थान, एम्स, हॉस्पिटैलिटी, विंध्य प्रदेश निर्माण बनने के लिए बने संगठनों को विंध्य के मुद्दे पर एक मंच पर आने का आह्वान आदि पर विचार किया गया। उक्त बैठक में राम प्रताप सिंह, पूर्व विधायक प्रणवीर सिंह, संयोजक विंध्य पुनरोदय मंच देवेंद्र सिंह, लक्ष्मण तिवारी, पूर्व विधायक जयराम शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार ERK सिंह, MB सिंह, वीरेंद्र सिंह बघेल, वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह, पूर्व जिला खेल अधिकारी मुनीन्द्र तिवारी, विंध्य संग्राम परिषद सहित युवा साथी, समाज सेवी, पत्रकार, प्रबुद्ध जन आदि काफी संख्या में विंध्य प्रदेश के समर्थक उपस्थित रहे। तुम्हारे में जो विचार शक्ति है, जितना तुम विचार करिया ओका कार्यान्वयन कर सकते है, लेकिन हम नहीं कर सकते। हम शिथिल हैं, हम वृद्ध हैं, हमने लगे सब जानकारी है, लेकिन हम उतना धनुष का त्रिज्या नहीं खींच सकेगा। ऐसे तुम्हें हम ले आए, अब हमें जरूरत ऐसा लोगों के है जे युवक हों, जिनमें यह भावना पैदा की जा सके कि यह क्षेत्र के नेता तुम बनिया का और तुम यह घर कमान संभालो।